हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल राइजिंग क्रिएटिविटी विद वर्षा। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शुभ दीपावली DIY शेयर कर रही हूँ, जो मैंने डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल में बनाए हैं। एंड ये बहुत ही इजी एंड बहुत ही लो कॉस्ट DIY हैं, तो प्लीज़ एक बार घर में ज़रूर ट्राई करिएगा। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक करिए एंड फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स में शेयर करिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट DIY में मैंने कार्डबोर्ड पर कुछ शेप्स बनाई हैं, जिनको मैंने कट कर लिया है। अब मैं फेविकॉल एंड वाटर के मिक्सचर से इनके ऊपर टिश्यू पेपर को पेस्ट करूंगी। सबके ऊपर टिश्यू पेपर को अच्छे से पेस्ट करने के बाद इनको ड्राई होने के लिए छोड़ देंगे। ड्राई होने के बाद मैं इनके ऊपर क्ले को रोल करके इनके बॉर्डर पर लगाऊंगी। मैंने यहाँ पर होममेड एयर ड्राई क्ले का यूज़ किया है, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी। आप वहाँ जाकर चेक कर सकते हैं कि ये कैसे बनी है। क्ले को सबके ऊपर अच्छे से लगाने के बाद हम इनको सूखने के लिए छोड़ देंगे। सूखने के बाद अब हम इन पर कलर को अप्लाई करेंगे। मैं यहाँ पर एक्रेलिक कलर्स का यूज़ कर रही हूँ। मैंने बॉर्डर पर गोल्डन कलर का यूज़ किया है। सभी बॉर्डर्स पर गोल्डन कलर लगाने के बाद अब मैं यहाँ पर ग्रीन कलर का यूज़ कर रही हूँ। दिए के अंदर मैंने रेड, येलो एंड ऑरेंज एक्रेलिक कलर्स का यूज़ किया है। पिकॉक के अंदर मैंने ब्लू कलर का यूज़ किया है। कलर्स करने के बाद अब मैं यहाँ पर कुछ स्टोन वर्क करूँगी एंड 3D आउटलाइनर से कुछ डिज़ाइंस बनाऊँगी। यहाँ पर मैं 3D येलो कोन लाइनर से शुभ दीपावली लिख रही हूँ। पीकॉक के अंदर भी मैंने स्टोन वर्क किया है एंड थोड़ा सा 3D आउटलाइनर भी यूज़ किया है।
स्टोन वर्क खत्म होने के बाद अब हम इनको अरेंज करेंगे। मैं यहाँ पर ब्लैक रिबन का यूज़ कर रही हूँ, जिनको मैं ग्लू गन की हेल्प से इसके ऊपर पेस्ट करूँगी। मैंने यहाँ पर कुछ गोल्डन बीट्स भी यूज़ करी हैं एंड लास्ट में मैंने एक येलो पॉम्पॉम यूज़ किया है। हमारा फर्स्ट शुभ दीपावली DIY यहाँ पर बनकर तैयार है। आपको ये कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। सेकेंड DIY के लिए मैंने यहाँ पर शादी के कार्ड का यूज़ किया है। मेरे पास येलो कलर के कार्ड दो थे, इसलिए मैंने यहाँ पर इसका यूज़ किया है। मैंने इसके ऊपर एक फ्लावर बनाया एंड इनको इक्वल शेप में कट कर लिया है। अब मैं इनके ऊपर मिरर वर्क करूँगी। सभी के ऊपर मिरर वर्क करने के बाद अब मैं यहाँ पर 3D कोन लाइनर का यूज़ कर रही हूँ, जिससे मैं मिरर्स की आउटलाइन बना रही हूँ। अब मैंने यहाँ पर रेड कलर के कार्ड को सर्कल्स में कट कर लिया है एंड इन सभी के ऊपर पेस्ट कर दिया है। Now I am using white 3D cone liner and इसकी हेल्प से मैं इन सभी के ऊपर शुभ दीपावली लिखूंगी। शुभ दीपावली लिखने के बाद अब मैं यहाँ पर ग्रीन कलर का 3D cone liner का यूज कर रही हूँ। मैंने यहाँ पर रेड एंड गोल्डन कलर की लेस का यूज़ किया है, जिसको मैं ग्लू गन की हेल्प से इन सभी के ऊपर पेस्ट कर दूंगी। हमारा सेकेंड शुभ दीपावली DIY भी बनकर तैयार है। थर्ड शुभ दीपावली DIY के लिए भी मैंने शादी के कार्ड्स का यूज़ किया है। यहाँ पर मैंने ऑरेंज एंड पिंक कलर के कार्ड्स का यूज़ किया है, जिनको मैं अलग अलग शेप में कट करके फेविकॉल की हेल्प से पेस्ट कर लूँगी। अब मैं यहाँ पर ब्लू कलर की लेस का यूज़ कर रही हूँ, जिसको मैं फेविकॉल की हेल्प से इसके बॉर्डर पर लगा दूँगी। लेस को लगाने के बाद अब मैं यहाँ पर कुछ मिरर्स लगाऊंगी। यहाँ पर मैं व्हाइट कलर के 3D कोन लाइनर का यूज कर रही हूँ। मैं यहाँ पर कुछ सिल्वर स्टोन्स का यूज करूंगी। दोनों पर अच्छे से सिल्वर स्टोन्स लगाने के बाद अब मैं येलो कलर के 3D कोन लाइनर की हेल्प से इसके ऊपर शुभ दीपावली लिख दूंगी। मैंने इस वाले DIY को 3 डिफरेंट वे में यूज़ किया है। आपको जो भी अच्छा लगे आप उस वे में इसको यूज़ कर सकते हैं। मैंने इस वाले DIY के साथ अपनी प्रीवियस वीडियो का एक मड मिरर आर्ट का DIY भी यूज़ किया है, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूँगी। मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गणेश जी वाला शुभ लाभ का वीडियो भी शेयर कर दिया है, आप उसको भी वहाँ जाकर चेक कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।